सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से रात तक, मेरे घंटे का किंग। फिर आउट हो गया। बड़ा मैच, बड़ी इनिंग्स, घंटे वाली इनिंग्स खेल के, बड़े मैच में बड़ी गंदी इनिंग्स खेल के, घंटे वाली इनिंग्स खेल के, मेरे घंटे का किंग। आउट हो गया जी। कुछ नहीं बता सकते आपको हम, डिस्प्लेसन में भी हैं। श्रीलंका ने घंटा बजा दिया। लानत 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 लानत। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने क्या बोला था कि ये आज भी नहीं चलेगा, ये आज भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान को युवा के छोड़ गया, पाकिस्तान के एक ऐसे टाइम के ऊपर आउट हुआ जब जरूरत थी इसकी। घंटे का किंग आउट हो गया जी। श्रीलंका ने घंटा बजा दिया बाबर आजम का। कंट्रोल, ये है जी आपका बाबर आजम, ये है आपका बाबर आजम। इसकी एशिया कप की आपको मैं इनिंग्स बताता हूँ। नेपाल के खिलाफ 150, इंडिया के खिलाफ लोड़े, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ बोल्ड, उसके बाद आज फिर भाईजान का किला उड़ा पीछे से स्टंप पर ने पकड़ के पटक किया कीपर ने, उसके बाद आप बांग्लादेश वाला देख लो किला, हार्दिक पांड्या ने इसका किला उड़ाया, आज फिर भाईजान का स्टंप आउट हुआ। मेरे घंटे का किंग। ये है अब्बू, ये है क्रिकेट का असली अब्बू, जो पैनिक नहीं करता बड़े मैचेस में, जो बजत जिसने पाकिस्तान की बजाई थी, जिसने आपके प्लेयर इंजर्ड किए हैं, इंडिया के साथ आपने मैच क्या खेला है, आपको तो टीम ही डोरी लंगड़ी हो गई है, आपको तो लास्ट मोमेंट के ऊपर चेंजेस करने पड़े। मेरे घंटे का किंग सुबह से शाम तक, फिर सुबह से रात तक, मेरे घंटे का किंग। पड़क पड़क पड़क, आउट हो गया। ये अजी यार, लानत भेजो सबसे पहले इसके ऊपर, नहीं आईसीसी के ऊपर, जिसने इसको नंबर वन पोजीशन दी हुई है, जिसने इसको दुनिया का वनडे में नंबर वन पोजीशन होल्डर बनाया हुआ है। ये नंबर वन पोजीशन वाले बंदे इस तरह खेलते हैं, और जब वो नंबर वन पे था ना वनडे रैंकिंग में, वो अभी भी नंबर वन है, मैं वनडे रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, वो तो अगली टीम को पहले 10 ओवरों में मैच से बाहर निकाल देता था। वो घंटा नहीं था, वो किंग था, वो किंग है, वो किंग रहेगा। ये घंटा था, घंटा है, घंटा रहेगा। मेरे घंटे का किंग। घंटा बजा दिया श्रीलंका ने आज पकड़ के कलंबो में, उस स्पिनर ने पहले इसको फंसाया, वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहा था, उसको था कि ये मुझे सीधे बल्ले खेले, उसको ये नहीं था पता कि घंटा तो पैनिक कर गया हुआ। 17 ओवर में 70 रन है पाकिस्तान का, इतनी बुरी पोजीशन के ऊपर है ये, कि मुझे तो लग रहा है ये 150 भी नहीं करेंगे, कहीं वो इंडिया वाला 128 रिपीट तो नहीं होने वाला, मुझे लग रहा है इंडिया वाला 128 रिपीट होने वाला, 128 पे ऑल आउट होने वाला ये। आज पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पे चला जाएगा। ये घंटे से कप्तानी लो। अच्छा ठीक है। एक और बात बड़ी मजे की बात बताता हूँ, अब्दुल्ला शफीक जिसको लास्ट मोमेंट में टीम पे ऐड किया, वो अच्छा खेल रहा है इसे।